अपने प्रॉब्लम बिल्ली परेशान है रोज भी वहां पे मौजूद है और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मिसेस राफी जो है वो अपने प्ले के अंदर एक प्ले कंडक्ट करवा रही है मतलब ये एक ऐसे लगता है कि जैसे उसने इसके जरिए क्या किया है कि प्ले के अंदर प्ले कंडक्ट करवाया है हमारा राइटर जो है वो थिएटर डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है तो वो क्या करता है टाइम प्ले के अंदर प्ले कंडक्ट करवाता है तो राफी जो है मिसिज राफी अक्सर प्ले कंडक्ट करवाती है और वो किस लिए करवाती है कोस्टल गार्ड को फंड उनका जनरेट करने के लिए उनके फंड जनरेट करने के लिए ये कोस्टल गार्ड पे यानी कोस्टल गार्ड के लिए फंड जनरेट करती है और ये ये रिहर्सल कर रही है और वो हम साथ साथ देखते हैं और इसमें एक तरह का स्टाइल भी है कि एक इतना सीरियस डेथ हुई है रोज के फ्योसी की लेकिन वो अपने प्ले वगैरह कंडक्ट कर रही है एनी anyway, वे वो लोग मान भी रहे हैं कि हम लोगों को दुख है और इसमें डिफरेंट चीजों को फिर डिस्कस किया गया है किस तरह से वो और ग्रीक मेथोलॉजी भी थोड़ी सी डिस्कस की गई है ग्रीक मेथोलॉजी में एक पोयट जो है उसको डिस्कस किया गया कोई है कोई पोएट है यहाँ पे और इसके अलावा कुछ गॉडस जो है उसकी दूसरी वो डिस्कस की गई है वो हम साथ साथ देखेंगे आर यू प्रेजेंट ऑवर हेयर आर यू प्रेजेंट ऑवर हेयर Yes, should... yes. yes, तो समझ नहीं आ रही क्या मैंने रही अजान हो रही थी मैंने म्यूट किया हुआ था तो मुझे याद नहीं रहा अन्यूट करना अच्छा अच्छा देखिएगा पार्क हाउस ड्राइंग रूम्स अपर मिडिल क्लास फर्नीचर आपको मैंने बताया था कि राफी मिसेस राफी जो है वो किस क्लास से ताल्लुक रखती है अपर मिडिल क्लास और वो अपने अंदर रिस्टोक्रेटिक जो क्लास है उसके मैनर दिखाती है मतलब रिस्टोक्रेटिक तो नहीं है अपर मिडिल क्लास की है हाईली अपर क्लास तो नहीं है लेकिन अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है तो फर्नीचर भी वो वैसा ही कुछ दिखाया गया है सो पार्क हाउस ड्राइंग रूम्स अपर मिडिल क्लास फर्नीचर्स कंफर्टेबल हैंड हार्डवेयरिंग गुड राउंड टेबल ये सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं बुक केस ये जो मेरे पीछे है ये बुक केस है क्लाउड्स कवरलेट्स पेंटेड विद द फ्लावर्स एंड द स्टेम्स एंड लीव्स सिट ऑन द बुक केस यानी ये बुक केस है यहाँ पे स्टेम और लीव्स जो बने हुए हैं ऑन द फ्लोर्स पंटिंग पोल्स पंटिंग पोल का मतलब लिखें स्टील टिप फॉर बोर्ड ये ना ये बोट है ना तो बोट को चलाने के लिए बाजा तो वो एक और सा यूज करते हैं जिसे चप्पू सा होता है उसको यूज करते हैं लेकिन इसके साथ एक मेटल है इस तरह का लंबा सा उसको कहते हैं पंटिंग पोल ये पंटिंग पोल जो है ये क्या है स्टील टिप है बोट के लिए ये लंबी सी इस तरह जैसे वो लोहे की कोई चीज लंबी सी होती है ना वो ऐसे ऐसे मारते हैं और वो आगे आगे कश्ती जाती है पंटिंग पोल एंड बोटर्स अडोर यू सी लीड द रेस्ट ऑफ द हाउस यानी ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो उसमें हैं वो सारे उसने डिस्कस किए हैं आ राइज ऑफ द कर्टन कर्टन राइज होता है एट राइज ऑफ द कर्टन कर्टन जो है जैसे ही राइज कर्टन मीन जब भी प्ले कंडक्ट करते हैं वो सीन चलाते हैं तो वो कर्टन जो है उसको उठाया जाता है उसके बाद वो सारा सीन पहले सेट करते हैं मैंने आपको बताया था कि उनका मेन मकसद ये है कि रैशनल बनाना अगर हम वैसे ही चीज चलाते जा रहे हैं और रियलिटी बना के दिखा रहे हैं और पिटी फियर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर तो लोग नहीं समझेंगे वो तो समझेंगे ये सब कुछ रियलिटी हो रही है असल में वो कर्टन उठाया जाता है और उनको रियलाइज करवाया जाता है जो वॉच कर रहे हैं भाई आप एक प्ले वॉच कर रहे हो ये कोई रियलिटी नहीं है हम सच दिखाने सच जैसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रैशनल बनाना चाहते हैं इसको रियलिटी नहीं समझनी और इसकी दुनिया में नहीं जाना बल्कि उसको ऑब्जर्व करना है रैशनल बनना है तो इस थिएटर का मेन मकसद क्या था जो एडवर्ड बॉन्ड का थिएटर थे, है रैशनल थिएटर क्या थिएटर है रैशनल थिएटर मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिक थिएटर रैशनल थिएटर इसमें फर्क है जो अरिस्टोटल का थिएटर था वो कौन कौन सा था अरिस्टोटेलियन थिएटर अरिस्टोटेलियन थिएटर पे बहुत सारे ड्रामास बनते हैं और उसमें क्या किया जाता है आप देखते हो मेरा अहमद जो है वो अरिस्टोटेलियन पे वर्क करती है आप जरा उसका कोई ये प्ले ये देखें तो हम उसमें आप उसका पीरे कामल पढ़े या कोई भी नावल पढ़े तो कैसे लगता है कि हम जैसे उस करेक्टर के साथ हंस रहे हैं करेक्टर रोता है तो हम रोते हैं करेक्टर अप होता है तो हम अप हो जाते हैं लो होता है तो हमारा भी साथ हमारे जज्बात भी लो हो रहे हैं अगर वो खुश हो रहा है तो हम भी खुश हो रहे हैं तो हम रैशनली उसे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहे हैं कि उसने लिखा कैसा है वो क्या कहना चाह रही है उसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया क्रिटिकली कहीं नहीं देखा डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हम बस उसकी जज्बात में बहते जाते हैं ये ऐसा नहीं बनाना चाहता मिसेस राफी मिस्टर मिसेस टाइल हाउस एंड मैफ मैफने प्राइस एंड ये सारे करैक्टर हैं जेली रेचल्स एंड द सीटेड अबाउट द रोम ये सारे लोग बैठे हुए हैं और आपको पता है कि ये क्या कर रहे हैं प्ले के अंदर एक और प्ले कंडक्ट हो रहा है, कि प्ले भाई ऐसे किया जाता है। अगर लिटरेचर का लिटरेचर पढ़ने का मेन मकसद ये होता है कुछ लर्न करना वेन यू स्टडी लिटरेचर इट इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इट यू होल

पीली हो चुकी है। है है। इन सरप्राइज और दूसरे लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? घूर रहे हैं? हैं। घूर कहती है कि तुम तुम्हारे की डेथ हुई है। हमें अपना काम करने दो हमें प्ले कंडक्ट करने दो तुम रूम में जाओ हम खुद ही मैनेज कर लेंगे बाजूकात होता है ना जिसके साथ ट्रेजिडी होती है हम कहते हैं यार तुम रेस्ट करो हम खुद काम कर लें। रोज आई विल स्टे मैं भी यहां पे रहूंगी मैफने मैफने पुवर थिंग्स ये अच्छा नहीं है मिसिज राफी यू विल ब्रिंग योर सेल्फ डोन तुम यहां पे परेशान होगी आई कैन सी द सी थ्रू द विंडो मैं विंडो से भी देख सकती हूं समंदर को हजबेंड्स मोन्स फ्राम फ्राम लेडीज अब यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया था एक लेडी जो है वो क्या वो रो रही थी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी वो बता रहे थे ना कि वो उसकी डेथ हुई थी वो एप्पल पे लटक गया तो लोग कहती है कि मैं हस्बैंड की क्या देख रही हूँ लेडीज जो है वो हस्बैंड के लिए क्या कर रही है मौन कर रही है मातम कर रही है आहें भर रही है तो मैं उसको देख रही हूँ जिल्ली जिल्ली हो आफुल कितना बुरा है ये इन इन द टाउन टाउन दिस यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम द सी अब इस टाउन में अगर रहते हुए तुम इस सी से निजात हासिल नहीं कर सकती क्योंकि सी तो यहाँ पे रहता है सी तो है यहाँ की एग्जिस्टेंस है कोस्टल एरिया की एग्जिस्टेंस है तो अब यहाँ पे रहोगी तो हमेशा तुम्हें सी नजर आता रहेगा और सारन याद आएगा पुल द कर्टन पुल द करटन वो कर्टन को हटाती है मिसेस राफी पुल दर्ट वो कर्टन को हटाती है रोज ओ नो ऐसा नहीं है मिसेस राफी द शट इट आउट इसको बंद करो हरी टू क्लोज टू दर्टन्स लाइट लेडीज हरी अप टू फेच द लाइट लाइट लेकर आओ अब ये वो प्ले वगैरह कंडक्ट करने जा रही है स्टे विद दस हमारे साथ रहो वी अंडरस्टैंड वी ऑल नोट पेन इन आवर टाइम हम सब लोगों ने क्या देखी है पेन देखिए है बीवरमेंट बीवरमेंट और ग्रीफ देखे हैं परेशानियां देखी हैं लॉस्ट होप और उम्मीदें खोई हैं ऑल आवर लाइफ पास थ्रू द शैडोज़ हम सब की लाइफ जो है वो पास थ्रू होती है अप एंड डाउन से अच्छा पीछे मैंने आपको दो नाम लिए थे एक जेसिका नाम लिया था ये जेसिका मैंने किसका नाम आपको बताया था ये सब था जेसिका मैंने आपको बताया था जेसिका जो है वो उसका नाम है टाइल हाउस का मिसिज टाइल हाउस तो वो बंदा है ना उसकी मिसिज है मिसिज टाइल हाउस तो उसका नाम जेसिका है तो ये नाम कुछ और यूज करेगा यहाँ पे बाज बच्चों को यही पता नहीं चलता कि ये किसका नाम है तो वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है इसको भी नोट रखना है आपने आई होप वी हैव मुझे उम्मीद है कि अब हम सब लोग एक पेज पर है एक डायरेक्शन में है लेडीज क्योंकि वो सारे प्ले कंडक्ट करने जा रहे हैं और सबको रोल मिल गए अपने आप कुछ लैटिन ग्रीक से, कुछ उन्होंने एंशियंट ग्रीक मेथोलॉजी के रोल भी दिए ठीक है।, है और इफिस के नाम से एक आ, उसमें गॉड का जिक्र आया है तो वो पोएट था सॉन्ग गाता है वो लेडीज यस ओ डियर मिसेस राफी वी शैल सी हम देखेंगे यानी हम सब ये देख लेंगे यहां पे वो कहती कहती है मिसेस टू रोज रोज वो Rose से कहती है, हो ब्रेव ऑफ यू टू चैलेंज यू डेस्पियर यू आर राइट वी डेयर नॉट फॉल बैक अंडर ब्लो देखिए लिटरेचर जो है ना लिटरेचर हर किसी को पढ़ना चाहिए अगर साइंस का बंदा भी है ना तो उसे खुशक नहीं बनना चाहिए जैसे अरिस्टोटल ने कहा था फिलिप सिडनी ने कहा था कि अगर आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो वो आपको सर्टन ह्यूमन के बारे में बता देगी एवोल्यूशन के बारे में उसके पार्ट्स के बारे में साइकोलॉजी को ब्रेन के बारे में हिस्ट्री को हिस्ट्री के बारे में फिलॉसफी व्हाट इज ट्रूथ व्हाट इज गुड वट इज बैड व्हाट इज नॉलेज वट इज रियलिटी वॉट इज एंटोलॉजी वट इज ए वट इज यू नो मेटाफिजिक्स तो आपको ये सारी चीजें बता देगी एंटोलॉजी क्या होती है डी एंटोलॉजी क्या होती है एक्जोलॉजी क्या होती है मेटाफिजिक्स क्या होती है अपिस्टोमोलॉजी क्या होती है लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकती कि, कि क्या गुड है और क्या बैड है कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए लिटरेचर आपको ये बताता है कि कैसा होना चाहिए क्योंकि वो तो नहीं बता सकते वो तो खुशक सब्जेक्ट होते हैं लेकिन लिटरेचर आपको बताता आइडियल रियलिटी एक बना के दिखाता है भाई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहां गुड को सजा गुड को रिजल्ट रिवार्ड मिलता है और बुराई को सजा मिलती है हम दिखा सकते हैं ना स्टोरी बना के एक बंदे ने बुराई की उसके बाद वो उसकी लाइफ दिखाई उसके बाद गुड को रिवार्ड कर दिया इवल को पनिश कर दिया इसीलिए उसने कहा था कि लिटरेचर जो है हमारा जो पोएट है वो मनार्च है और पोएट इज अ मनार्च

ब्रेवरी है कि जब आप अपने टफ सिचुएशन टफ सिचुएशन को चैलेंज करते हो सरकमस्टांसिस को जो आपके साथ हैपनिंग हुई है जो आपके साथ बुरा हुआ है जो आपके साथ डेस्पियर्स चल रही हैं, रिजेंटमेंट चल रही हैं, जो डिप्रेशन एंजाइटी है आप उसको चैलेंज करते हो और चैलेंज होके उससे बड़ा करते हो देन यू आर कॉन्फिडेंट ब्रेव पर्सनैलिटी एंड यू कैन रन इन दिस वर्ल्ड दिस इज दिस इज वेरी स्ट्रेंज वर्ल्ड इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ड यू हैव ट अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैड होना पड़ेगा लोग आपके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे लोग आपको चैलेंज भी करेंगे लोग आपको डिग्रेड भी करेंगे लोग आपकी करेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे लोग कहेंगे ये अच्छा नहीं है बट यू हैव टू डू सम बियॉन्ड दीज चैलेंजेस देन यू विल बी कॉन्फिडेंट पर्सन आप अपने चैलेंजेस से बाहर जाके जब चीजों को देखोगे आउट ऑफ कंटेक्स जाके देखोगे राइट एंगल से देखोगे लेफ्ट से देखोगे कंटेक्स बेस्ड चीजों को देखोगे कोई भी डिस्कोर्स आउट ऑफ कंटेक्स जाके नहीं समझा जा सकता चाहे वो रिलीजियस डिस्कोर्स हो चाहे वो कल्चरल डिस्कोर्स हो चाहे वो कोई लिटरेरी डिस्कोर्स हो चाहे वो कोई एजुकेशनल डिस्कोर्स हो चाहे वो कोई कोई डिस्कोर्स हो कल्चरल डिस्कोर्स हो ट्रेडिशनल डिस्कोर्स हो हिस्टोरिकल डिस्कोर्स हो चले जाए कॉन्टेक्स के बाहर जाए आपको समझ नहीं आएगी कोई भी कन्वर्सेशन आप आउट ऑफ कॉन्टेक्सट अगर उस पर कमेंट कर रहे हो तो आप जैसा कोई जाहल इंसान नहीं है लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप उसको कॉन्टेक्स में देखो कि ये कन्वर्सेशन कहा चल रही थी कौन किससे बात कर रहा था जब बात हो रही थी क्या किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा यहां पर वी डेयर नॉट फॉल बैक अंडर द ब्लो यानी हम क्या करते हैं कि हम कभी भी सारो में फॉल बैक नहीं करते वी डेयर नॉट फॉल बैक अंडर द ब्लोस अंडर द ब्लोस मीन सारो के अंदर हम सारो में सरेंडर नहीं करते वी डेयर फॉल बैक अंडर द ब्लोस हम कभी भी सारो को सरेंडर नहीं करते डेयर नॉट फॉल अंडर द ब्लोस इसका मतलब ये एक एडियम है। वो कह, वो कह रही है यहाँ पे टायल हाउस ट्रायल हाउस कह रही है, कि तुमने कैसे को किया है। तुमने अपनी जितनी भी डिप्रेशन, पेन आई है तुमने उसको सरेंडर नहीं किया अपनी सारों सारों के सामने अपने आप इंसान सरेंडर कर देता है टेंशन लेके बैठ जाता है और डेथ हो जाती है बाज का टेंशन लेके लोग मारे जाते चीजें आपको लिटरेचर बताता है Mrs. Rafi, Jessica, stop trying to sound like a woman with the, the interesting past. Nothing has ever happened to you. That is a tragedy. Now, Jessica, kya? Jessica? Kon hai? Tile house. Tile house. So, Mrs. Rafi usko bata hai. Jessica, stop trying to sound like a woman with interesting past. Nothing has ever happened to you. Like, nothing happened to you. इनको याद ना करो जो भी ट्रेजिडी हुई है दैट इज अ ट्रेजिडी ये एक ट्रेजेडी है बट इट हार्डली क्वालिफाई क्वालिफाई यू टू गिव एडवाइस ये तुम्हें क्वालिफाई नहीं करती कि तुम एडवाइस करो नसीहत करो यानी इस सिचुएशन में तुम नसीहत ना करो हैंड आउट द बुक हैंड आउट हैंड आउट का मतलब बुक पकड़ाओ मुझे एक्ट वन सीन थ्री एक्ट वन और सीन थ्री में आओ क्या करो इसमें आई हैव एक्ट वन सीन थ्री एंटर ओरिपस ओरिपस जैसे इडिपस है ना इसी तरह ये एक इरिफस एरिफ, इरिफस कोई है वहां पे करेक्टर है ग्रीक मिथोलॉजी का इरिफस इरिफस एंटर इरिफस इरिफस एंटर होता है अब देखते हैं इरिफस किसको वो कहते हैं आफ अफ्लोरी ऑफ द नर्वस एंटीसिपेशन आई हैव लॉस्ट माय यूरिडिस यूरिडिस जो है वो की वाइफ थी ये एक गॉड था जो सॉन्ग गाता था ग्रीक मेथोलॉजी में यूरिडिस जो है उसकी गॉडस वाइफ है यू आर हैव यू हैव द प्लेस अब कौन कह रहा है ये, ये इरिफस का करेक्टर किसको मिला है विकर को किसको मिला है? विकर को अब विकर कह रहा है कि मेरी यूरिडिस कहां है यू ऑल हैव द प्लेस ओवरवेलम्ड विद द माइजरी तुम सब लोगों में ये मिसाइल इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं जहां हमें घेरा हुआ किसने आई सेट आउट ऑन अ जर्नी डॉन्स द डॉन द स्टीप रॉकी पाथ में रॉकी पाथ में एक जर्नी पे गया था टू हेल अब वो करेक्टर कह रहा है कि मैं रॉकी पाथ में हेल में गया था ऑन ईधर साइड राइज बॉटमलेस पिट और कहता है हर साइड पे वहां पे क्या था एक गड़ा था और उसमें बॉटमलेस जिसकी कोई हद नहीं थी ब्लेजिंग विद डार्कनेस और उसमें डार्कनेस जो है वो स्मोक ब्लेज जल रही थी या चमक रही थी द रोकी कैरवन द रोकी कैवनस आर्चिस ओवर माई हेड और मेरे ऊपर जो चट्टाने थी वो मेरे हेड के ऊपर थी मैडन्स बैट्स फ्लाई थ्रू इट्स ब्लैक एंड वॉल्ट और उसकी जो वर्ड सीन जैसे गोल गोल सी होती है बिल्डिंग के अंदर उसकी वर्ड्स में पागल किस्म की बैट्स उड़ रही थी चमगादरें उड़ रही थी वो उस हेल का सीन बता रहा है इरिफस जो है वो कि ग्रीक मिथोलॉजी का करेक्टर है वो कहता है मैं वहां गया हूं और मैंने ये चीजें देखी हैं। आई रीच द रिवर दैट लाइज बिफोर हेल मैं उस रिवर तक भी पहुंचा हूं जो हेल के करीब है क्या है वहां पे वेरली। वो वेरली कहता है यकीनन। आई सिट डाउन ऑन द रॉक और मैं एक चट्टान पे भी बैठा एंड सर्वे द डेसिमल सीन और मैंने मयूस सीन को भी कहता है सर्वे किया आई टेक आउट माई ल्यूट और मैंने अपनी वो बांसरी टीप टाइप होती है बजाने वाली एंड आई टेक आउट माई ल्यूट एंड सिंग देयर इज नो प्लेस लाइक होम और मैंने वहां पे अपनी लूट बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी वो बाजा सा वो बांसुरी ट्रम्पेट सा जो जो भी है उसके कहता मैंने बजाना शुरू कर दिया ये इरीफस का करेक्टर बता रहा है जो ग्रीक मिथोलॉजी में है वो हेल में गया है उसने जो सारा सीन देखा है उसके बाद वो बाहर आ गया है वो ग्रीक मिथोलॉजी में सारा कुछ जिक्र है तो वो बता रहा है कि मैंने वो रिवर भी देखा है और फिर मैं बाहर आके मैंने क्या वो लूट बजानी शुरू ये सिंग का गॉड सिंगिंग का गॉड है सॉन्ग आता है पोएट्री बड़ी अच्छी लिखता था ग्रीक मेथोलॉजी में मिसेस टाई हाउस लुइस इयर इज दैट द राइट सॉन्ग अब लुइस कौन है लुइस मिसेस राफी ठीक है इन चीजों को साथ साथ नोट करती जाएं यही चीजें समझने वाली होती हैं कौन सा बंदा किससे बात कर रहा है उसका दूसरा नाम क्या है उसका रियल नाम क्या है अब आपके आपके इडिपस रैक्स के अंदर वो किरोन के किरोन के आ, फादर का नाम पूछ लेता है उसके इडिपस के दादा का नाम पूछ लेता है अब वहां पे तो नहीं पढ़ा जिसने लाइन टू लाइन टैक्स नहीं पढ़ा उसे तो नहीं आएगा

नहीं, नहीं, ले इनके नाम जो थोड़े से मुश्किल हैं अरिस्टोफनी आपने अरिस्टोफनी का जि, जिसने कॉमेडी को स्टार्ट किया ना ग्रीक मेथोल ग्रीक के अंदर रोमन ग्रीक के अंदर जिस जो कॉमेडी का फाउंडर है उसका नाम है अरिस्टोफनी मैंने उसको भी पढ़ाया मैंने सारे लेक्चर दिए हैं रिस्टोफनी मैंने शेक्सपियर के सारे प्ले पढ़ाए हुए अपने चैनल पे मौजूद हैं अगर आपने उनको जब आपके पास टाइम हो तो आप उसको देखना आपको बड़ा मजा आएगा बड़ी जब हिस्टोरिकल प्ले बड़े लिखे मिसेस राफी द राइट सॉन्ग आई ऑलवेज सिंग देयर इज नो प्लेस लाइक होम द टाउन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी राइट सॉन्ग आई ऑलवेज सिंग मैं हमेशा गाती हूं देर इज नो प्लेस लाइक होम इस जैसा तो कोई होम ही नहीं है द टाउन एक्सपेक्ट इट ऑफ मी टाउन मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है मतलब यहाँ पे ये जो है ना इसमें वो बता रही है कि मेरी वैल्यू बहुत है टोन मुझे कहती है मैं फंड रेज करके क्यों टोन मुझे कहता है ये करो टोन मुझे कहता है वो करो टोन मेरे मुझ पे डिपेंड करता है मैं एक रिस्टोक्रेटिक लेडी हूं सारा काम मैं और ये मैं ही चला रही हूँ वैसे हर बंदा ये सोचता है कि मैं ही चला रहा हूँ Your school master, your college major around, your gharmachal around, and it will be absolutely fine if you are no more in this world. Handful of people they will suffer for some days, but soon enough they will forget you. They will, they will start living without you. As you are vanished from this world, nothing will change. This world will run.

बंदा भी यही सोचता है और ये भी यही सोच रही है ट्रायल हाउस यस राफी स्टेज आर आरिटर्न लॉस एंड द कमेंट्स ऑन माई फेलोज आर्टिस्ट परफॉर्मेंस बट आई विल से विद कॉन्फिडेंस दैट कम फ्रॉम मैनी ट्रीब्यूट दैट माई परफॉर्मेंस ऑफ दर इज नो प्लेस लाइक होम विल बी वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ एवरीथिंग यहां पर वो कह रही है I am, I am, am I disappoint क्या मैं उनको डिसअपॉइंट करूं वो सारे लोगों को जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं आई विल नॉट ब्रेक दिन रिटर्न लॉज एंड कॉमेंट ऑन माई फैलोज आर्टिस्ट मैं परफॉर्मेंस मैं उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कॉमेंट नहीं वो अच्छी करें बुरी करें बट आई विल से लेकिन मैं कहूंगी विद कॉन्फिडेंस बुरे कॉन्फिडेंटमाद के साथ दैट कम फ्रॉम मेनी ट्रीब्यूट that my performance of there is no place like a home will one of the highlight of the of the evening yani yahan pe koi bhi place nahi hai there is no place like home home ki jagah pe yani hamare घर की ज, जैसा कोई भी place नहीं है जो हम काम कर रहे हैं उस जैसा कोई भी नहीं है कहती है ये highlighted dialogue होगा हमारे इस play का rachel We always enjoy it. हम हमेशा enjoy करते हैं। जो भी कंडक्ट होता है हम तो एंजॉय करते हैं स्टार्ट करना चाहिए ट्रायल हाउस कहती है टाइम जया ना करो चलो जी स्टार्ट करें आगे मिसिज राफी कहती है गेट ऑन शी से एज इफ वी वार ड्रॉइंग अ ग्लास ऑफ वाटर फ्राम अ टैप चलो जी राफी कहती है गेट ऑन स्टार्ट करो शी से we जिस तरह से हम ए ग्लास ऑफ वाटर जो है वो निकाल रहे हैं आई डू नॉट नो ऑन यू वुड फाइंड मुझे नहीं पता कितनी पार्ट हाँ तुम, तुम पार्ट अदा करने में अपना जो अदा कर रहे हो रोल उसमें कितनी हद हाँ तक इंटरेस्टेड हो या इंथ्यूजिक हो बट आई कैन नॉट जम्प इन एंड आउट ऑफ माई पार्ट लाइक अ लेडी एथलीट लेकिन मैं अपने पार्ट से इधर उधर नहीं जाऊंगी बेट्स यानी ये कुछ डायलॉग लिखे हैं कोड वर्ड में शी कट्सली टू द एंड ऑफ द सॉन्ग डम डी डम डी डम याक हु, या हु, हुड बाय द एटमॉस्फियर यानी ये वो बीट है जो बोल रही है उसकी सो मूव बाय द एटमोसफियर आई हैव क्रिएटेड आई क्राई मैं चिल्लाती हूं टुगेदर विद द लार्ज पार्ट ऑफ द ऑडियंस ऑडियंस के साथ इफ थिंग्स गो एज यूजुअल अगर हमारा प्ले बिल्कुल यूजुअल कंडक्ट होता है द साउंड ऑफ माय अट्रैक्ट्स द सर्ब दर्ब्रस द वॉच डॉग ऑफ द हेल्स ही कम्स स्विमिंग ओवर द डार्क वाटर टू वर्ड्स मी सेब्रस का मतलब लिखें कॉमिक करेक्टर ये कार्टून हैं, इसमें आते हैं तो इसको कॉमिक करेक्टर समझे। कि साउंड ऑफ माई टोर्मेंट अट्रैक्ट द सेब्रस अगर अगर हमारा काम ठीक चलता है हमारा प्ले राइट कंडक्ट होता है तो साउंड ऑफ माई टोर्मेंट मेरी जितने भी परेशानियां हैं वो क्या बन जाएंगी कॉमिक बन जाएंगी

क्टर जो है वो किस तरह आएगा हमारी तरफ डार्क वाटर में आएगा मेरी तरफ यानी जब भी प्रोड्यूसर कोई करेक्टर तो क्या करते हैं रिवर साथ साथ कर क्या मैं तुम्हारे साथ पहले रिवर में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा मतलब जो काम आप कर रही हो बता रही हो इंस्ट्रक्शन तो ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वुड यू सिटर क्वाइटली क्या तुम खामोशी से बैठोगे बाई गा रही हूँ नॉट एट ऑल यू वुरस नॉट एट ऑल यू वु क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम जो कोरस चल रहा है आपको पता है जब प्ले, प्ले कंडक्ट होता, तो होता है तो उससे पहले एक कोरस होता है कोरस क्या बताते हैं मैंने आपको बताया था लेफ्ट से राइट जाते हैं राइट से लेफ्ट जाते, है, लेकिन जाते, है। लेकिन जाते हैं लेकिन मॉडर्न प्ले के अंदर क्या होता है मॉडर्न प्लेज जो होते हैं उसमें कोरस जस्ट एक इंट्रोडक्शन सा होता है वो पहले रोमन ग्रीक्स वाला नहीं है कि वो इधर से उधर जाते हैं उधर से सर नो ऐसी जरूरत नहीं बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं इसमें कभी वो भी नहीं देते मिसेस वुड यू सिट क्वाइटली अब उसे मैफने मैफने कहता कहता है मैं कहता है इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रिटेंड आई एम स्विमिंग वेन आई एम इनफैक्ट फैक्ट वॉकिंग ये कितना मुश्किल होगा कि मैं ये बताऊं कि मैं स्विम कर रहा हूं बल्कि मैं तो कहता है वॉक कर रहा हूं मिसिज राफी एक्ट मिस प्राइस एक्टर मिस प्राइस रिमेंबर योर ऑडियंस विल डू मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू मिस प्राइस को वो कहती है रिमेंबर योर ऑडियंस अपने ऑडियंस को याद रखो देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए मेरे ऑडियंस कौन है मैं किन से बात कर रहा हूँ वो मुझसे क्या चाहते हैं उनकी डिमांड क्या है उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो वो वैल्यू देंगे मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू दे हैव ऑलरेडी बिन सेटअप द पोएट्री दैट हैज गॉन बिफोर और वो पहले ही सेटअप कर चुके हैं पोएट्री वगैरह सारे काम तुम्हारे ऑडियंस करेंगे वो तुम्हारे साथ कॉपरेट करेंगे तुमने क्या करना है जस्ट एक्ट करना है सेम वन सिंपेथाइजेज विद वेन ही स्ट्रगल्ड टू ब्रीथ लाइफ इन टू द इंट्रैक्टेबल क्ले डू यू वॉन्ट टू विश सपोर्ट द द कोस्ट गार्ड फंड इट हैज नो मीनिंग फॉर यू अब यहां पर वो कहता है कि क्या तुम्हें हमदर्दी नहीं है तुम्हें पता है कि हर साल अब मिसी कहती है तुम्हें पता है कि हर साल हम फंड जनरेट करते हैं अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं भी तब भी तुम किसके लिए करोगे ताकि हम ये फंड जनरेट करें कोस्टल गार्ड के लिए मैफने आगे से कहता है कि हो क्रूवल लूइस लुइस तुम कितनी क्लोक्रूवल हो राफी आगे से कहती है देन एक्ट गिव योर सेल्फ टू पार्ट एंड इट विल कैरी यू थ्रू तुम अपने आप को क्या करो गिव पुट योर हार्ट ऑफ सोल इन द दैक्टर अगर तुम अपना दिल से करेक्टर को परफॉर्म करोगे तो वो करेक्टर तुम्हारे लिए खुद काम करेगा आपने आपने देखा एक एक्टिंग एक एक करता है आमर खान और एक एक्टिंग यहां पे हमारे भी बहुत सारे करते हैं अब जरा उनकी एक्टिंग देखे उनकी जब वो दिल से एक्टिंग की जाती है तो ऐसे रियल लगती है आपको पता है कि प्रोड्यूसर जब किसी को लेते हैं करेक्टर को वो कहते हैं यार मुझे वो चीज नहीं मिल रही दोबारा करके दिखाओ दोबारा करके, दिखा। करके दिखा। नो नो यार तुम वो वो एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहे वो उसे फिर करवाते हैं फिर करवाते हैं और अंटल उसे मेच्योर कर देते हैं जैसे मैंने आपको एक दिन कहा था परफेक्शन परफेक्शन नाम है कंटिन्यूस प्रैक्टिस का एक दफा करवाते हैं सौ दफा वो कभी कभी रिपीट करवाते हैं फिर वो इंप्रेशन और एक्सप्रेशन आता है तो वो कहती है कि अपनी करेक्टर के अंदर अपनी सोल डालो हार्ट से करो तो करेक्टर तुम्हारे लिए खुद फिर आगे तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन करेगा ये याद कर लें देन एक्ट गिव योर सेल्फ टू पार्ट एंड इट विल कैरी यू थ्रू अपने करेक्टर के अंदर सोल और अपना दिल डालें और वो खुद आपके लिए काम करेगा यहां तक क्लियर है आर यू लिस्निंग टू मी यस सर मैफ ने अब मैफ ने आगे से कहता है आई कम अलोंग स्पिटिंग वाटर्स आउट ऑफ माई माउथ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आई कम अलोंग मैं कहता है आता हूं किसके साथ स्पिटिंग वा स्पिट का मतलब होता है निकालना अपने मुंह से पानी निकालता हूं ये मैफने कहता है राफी कहती है नॉट द डॉग पैडल्स आई थिंक इट इज अ टू ऑब्वियस अब मैफने को क्या रोल देना चाहते हैं वो डॉग का कुत्ते का नॉट द डॉग पैडल्स आई थिंक इट इज अ टू ऑब्वियस यूरिडिस यूरिडिस कौन है यूरिडिस वाइफ है किसकी इरीफस की इरिफस जो है वो हस्बैंड है और यूरिडिस जो है वो क्या है ग्रीक मेथोलॉजी में वाइफ है इसकी यूरिडिस आर यू फॉर एवर लॉस्ट यूरिडिस क्या तुम हमेशा के लिए गुम हो गई हो नो वन आई कैन नॉट बियर इट मैं ये बियर नहीं कर सकती मैफ ने आगे से कहता है हु कॉल्स वट टेरिबल शाउट अराउंड थ्रू दीज हॉल्स ऑफ डेथ इज दैट ऑल राइट यानी कौन टेरिबली चीख रहा है किसकी आवाजें आ रही है इज दैट ऑल राइट क्या सब कुछ ठीक है मिसिज राफी आगे कहती है डोंट बी अफ्रेड टू अटैक योर पार्ट आई स्टार्ट अप क्रेजिली एट द सराउंड ऑफ योर वॉयस आई कैन नॉट सी इन द डार्कनेस आई आई क्राई यूरिडिस इज इट यू यस माई प्रेयर्स आर एंसर्ड वो कहती है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ अटैक पार्ट जो इस पार्ट के अंदर जो भी अटैक हो उससे तुमने उससे परेशान नहीं होना ये देखे करेक्टर साथ साथ चीजें बता रहा है आपको पता है कि रैशनल थिएटर का क्या है रैशनल थिएटर में जो करेक्टर परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में भी बताया जाता है भाई ये करेक्टर है और ये करेगा ऑडियंस भी इंटरक्ट करता है साथ जो कंडक्ट वाला है वो भी साथ साथ बताता है कि ये काम चल रहे हैं ताकि ऑडियंस साथ साथ उसको समझती रहे लोगों को रैशनल बनाना है लोगों को कुछ सिखाना है उनको पिटी फियर नहीं करवाना आई स्टार्ट अप क्रेजिली एट द साउंड ऑफ योर वॉइस मैं तुम्हारी वॉइस पे क्रेजिली चीखूंगी आई कैन नॉट सी इन द डार्कनेस मैं डार्कनेस में देख नहीं सकती आई क्राई यूरिडिस और यूरिडिस का मैं आवाज देती हूँ यूरिडिस Uri को एंड इज इट यू क्या तुम हो वो यस माय प्रेयर्स आर आंसर और मेरी प्रेयर्स का जवाब मिल जाता है वो सारा कुछ बता रही है कि ये ये काम करना है यूरिडिस ने मैंफ ने आई स्टेप फ्रॉम द वाटर्स एंड शेक माय सेल्फ मैं वाटर से बाहर आऊंगा और ऐसे ऐसे हिलाऊंगा जैसे कुत्ता पानी के अंदर जाता है तो फिर बाहर आता है तो ऐसे अपना सर हिलाता है वो ये कह रहा है मिसेस राफी शेक योर योरसेल्फ तुम्हें क्या शेक करना है अपने आप को हलाना है मैथ ने ऑल डॉग शेक देमसेल्फ व्हेन दे लीव द वाटर्स आप बिन स्टडिंग आवर रोजर्स वेरी केयरफुली फॉर द पार्ट एंड शी शेक्स Herself जेली एंड रैटचल्स पुट द कवरलेट्स बैक टू द बुककेस कहता जो हमारा रोजर कुतिया ना हमारी जब वो पानी में जाती है तो वो भी ऐसे सर हिलाती है तो मैं भी जब जाऊंगा तो मैं भी ऐसे कुत्ता बन के जब आऊंगा तो मैं भी सार हिलाऊंगा असल में वो करेक्टर ये मिला है नो रियल इट्स फैनी आई कैन सी द वाटर मैं वाटर को देख सकती हूँ आई वॉन्ट द आई वॉन्ट द ड्राई माई सेल्फ मैं अपने आप को ड्राई करना खुश्क रखना चाहती हूँ एंड ओपन माई अम्ब्रेला मैं अपनी अम्ब्रेला को खोलना चाहती हूँ मैं अपने शूज मैं अपने आप को गीला नहीं करना चाहती और मैं वो अपना बता रही है कि भाई मैं ये मेरी तहफजात हैं मिसिज राफी यस डियर डिस्क्राइब योर रिएक्शन लेटर ओवर टी तुम अपना रिएक्शन टी पे बता सकती हो दे साउंड सो इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश ये तो मुझे बहुत फ्रेश और अच्छा लग रहा है मैफने फ्रॉम द वेंस दिस वॉइस ऑफ टेरर्स ये कहां से आ रही है ये टेरर की उस वक्त ना मशकें भी हो रही हैं उधर इट इज द वॉइस ऑफ द सफरिंग ये किसी की सफरिंग की आवाज है आर मोर्टल जैसे कोई इंसान जो है डू नॉट डिस्टर्ब दीज शेड्स ऑफ डार्कनेस आर नॉक ऑन द डोर्स इंसानों को चाहिए कि इंसान को चाहिए कि वो क्या करे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि हमारा जो वर्क है वो बड़ा अच्छा कंडक्ट हो रहा है तो इंसानों को चाहिए, चाहिए देर तक खामोश नहीं रहूंगी लो आई तो जंगली जानवरों को भी ठैम कर लिया है बट आई कैन नॉट ऑफ दाई बीस्ट लेकिन मैं अपने अंदर के मैं अपने अंदर को कह, कहती है जो आई कैन नॉट ठैम थॉर्मेट ऑफ माई बीस्ट लेकिन माई uh, ब्रीस्ट लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उसको ठैम नहीं कर सकती बड़ा सा बड़ा बड़ी डीप बात की है देखिए इंसान जंगली जानवरों को ठैम कर लेता है लेकिन अपने अंदर बैठा हुआ जो ब्रीस्ट के अंदर बैठा हुआ जो ब्रीस्ट के अंदर बैठा हार्ट है जो इमोशनल ब्रेन है बंदे का इमोशनल इमोशंस है उनको टैम नहीं कर सकता

द मेड पुट्स हर हेड अराउंड है वो क्या वहां पे यानी वो सुन रहे हैं सब कुछ मिसिज राफी वॉट इज द वॉट इज इट डेवीज डेविज ये क्या है राफी पूछती है उससे डेविज डेविज उसे क्या कह आगे से कह रहा है कह रहा है पार्डन क्योंकि ये बंदा भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो जैसे आपको पता है कि जिस जिस तरह का बंदा होगा वो ऐसा वैसा उसका एक्सेंट भी वो वैसा ही बनाते हैं बड़ा नेचुरल दिखाते हैं ये है मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक बैग पार्डन एम मैडम मैं आपसे माफी मांगता हूं मिस्टर कार्सन यू सेड हिम इन एनी टाइम यानी मिस्टर कार्सन यू सेड तुमने कहा था कि मुझे किसी भी वक्त किसी भी वक्त मुझे शो करना मुझे टाइम का बताना कार्सन कौन है मिस्टर कार्सन विल्ली का नाम है कार्सन बिल्ली क्या कौन है कार्सन बिल्ली का पूरा नाम है विल्ली कार्सन मिसेस राफी नोडिंग द डेवीज नोडिंग टू डेवीज डेवी की तरफ ऐसे नोड करती हुई सर हिलाती हुई लेडीज यू डू नॉट माइंड डेवीज गोज अगर डेविस जांच चला जाता है तुमने परेशान नहीं होना होनाट फिजिट फिजिट नर्वसली वो दिखाई नहीं दे रहा था देन विली कम्स इन एंड ही लुक्स अराउंड एट द डार्कनेस फिर विली आता है और इधर उधर देखता है डार्कनेस में का मतलब होता है प्रैक्टिस करना सो कम इन मिस्टर कार्सन कार्सन आओ विली कार्सन तुम भी आओ वी आर रिहर्सिंग परफॉर्मेंस हम परफॉर्मेंस के लिए रिहर्स कर रहे हैं सारे बिल्ली आह आई एम सॉरी लेट मी कम बैक एट मुझे वापस आने दो मिसेस राफी नो 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 डू कम इन हियर तुम यहां पे आओ हियर इज माय नीस रोज ये मेरी नीस uh, मेरी भतीजी नीस है तुम इसके साथ बातें करो बिल्ली मिस जोन्स हाउ डू यू डू तुम कैसी हो आई विश आर मीटिंग वॉज डिफरेंट आई कैन ओनली टेल यू अब राफी क्या कहती है तुम आओ परेशान ना हो मेरी रोज मेरी नीस है इसके साथ बातें करो मिस जॉन आगे से कहती है बिल्ली कहता है मिस जॉन उ डू यू डू तुम कैसी हो आई विश आवर मीटिंग वॉज डिफरेंट आई कैन नॉट ओनली टेल यू हमारी मीटिंग जो है वो डिफरेंट होगी मैं आपको बता नहीं सकता Mrs. Rafi, hush. Hush, hush. Not hush, hush का मतलब ये हैरान जब हम होते हैं हर्ष एक टैग uh, वर्ड होता है ये हर्ष नॉट नाउ चिल्ड्रन रोज शेक्स विली हैंड्स देन शी गोज बैक टू हर प्लेस एंड सिड्स बिल्ली देन शी गोज यानी रोज जो है वो शेक बिल्लीज हैंड बिल्ली के साथ अपने हा, हाथ हिलाती है मतलब सलाम लेती है और उसके बाद क्या करती है मिस्टर कार्सन योर प्रेजेंस माइट शेम आवर लेडीज इनटू सम एफर्ट्स एट क्रिएटिविटी तुम्हारी एफर्ट्स जो हैं वो हमारी लेडीज के लिए थोड़ा सा उन्हें शर्म दिलाएगी कि वो अच्छा काम करें आई एम अबाउट टू क्रॉस द स्टाइकस स्टाइकस बाय फेरी Stichus एक ना अंडरवर्ल्ड ग्रीक मेथोलॉजी में कोई रिवर है ठीक है परेशान नहीं होना Stichus क्या है? Is the कोई ग्रीक mythology के अंदर एक रिवर है टीयर्स ऑफ द पर्टिनेट फेनिथेंट्स एंड द सफरिंग यानी जो रिजेंटमेंट और सफरिंग से जो बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड दरिया बना है सी बना है वो वो स्टाइकस है द स्टाइकस इज मेड फ्रॉम द टीयर्स ऑफ द द पेनिटेंट्स एंड सफरिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग जो कि बड़ा दिलचस्प है डू इट डाउन डू सिट डाउन तुम नीचे बैठो देयर यू विल सी एवरीथिंग देयर तुम यहां पे सारे सारा कुछ देखोगी। यानी जो भी कैरेक्टर आता है आप देखें वो कैरेक्टर को साथ-साथ डिफाइन साथ करते हैं ये ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ये क्या है स्टाइकस जो है वो एक सी है जो कि परेशानियों का है, का है और जहां पे ये सारी ये सारी चीजों से बना है। Math ने डू नॉट डिस्टर्ब दीज शेड्स ऑफ डार्कनेस इन डार्कनेस को ये परेशानियों जो हैं या शेड्स जो हैं इस डार्कनेस के इनसे डिस्टर्ब ना हो आई यूज द स्पेशल टोन्स मैं स्पेशल किस्म की टोन इस्तेमाल करता हूं

रेपिटेशन uh, भी कहते हैं न, फोरा भी कहते हैं ये रिपीट हुआ नेवर मोर आई बी साइलेंट लो आई ठैम द वाइल्ड बीस बट आई कैन नॉट द ऑफ़ माय बीस्ट यूरिडिस लेट मी चेज योर मार्बल बॉसम्स लेट मी क्लैस्प योर मार्बल बॉसम्स मुझे तुम्हारे मार्बल जैसे सीने को क्लैप्स करने दो टू माई पेंटिंग ब्रीस मेरी तेजी से सांस लेती हुई ब्रीस्ट के साथ एंड वाम इट विद माई हार्ट और मुझे अपने दिल को क्या करने दो वाम करने दो जेली स्टार्ट टू क्राई और जेली जो है वो रोना शुरू कर देती अब ये जो है किस क्या कौन बोल रहा है ये वो कहती है राफी जो है वो ये कहती है कि अब मैं ज्यादा मैं उनको वर्ल्ड को थैम कर सकती हूँ एंड आई कैन नॉट दमेट ऑफ माई ब्रीस्ट Eurydice let me clasp clasp your marble bosoms to my panting breast मुझे अपने जोर-जोर से सांस लेते हुए सीने को तुम्हारे सीने से लगाने दो ताकि मैं क्लैस्प क्लैस्प कर दूं तुम्हारे मार्बल के सीने को एंड एंड वार्म इट माय हार्ट मैं अपने दिल को वार्म करूं हॉट करूं या अपने आप को तुम्हारे सीने से लगाऊं असल में वो क्या कह रही है यूरिडिस को कह रही है यूरिडिस एक करेक्टर है जिल्ली ओ डियर सो सॉरी इट इज अ मूविंग सो एट मैं माफी मांगता हूं मैं माफी मांगती हूं इट इज अट ओ डियर का मतलब होता है जब आप किसी को मजाक करते हो ना तो उसको हम कहते हैं ओ डियर जो बिल्कुल निकम्मा हो वैसे इंग्लैंड में उसको कहते हैं ओ डियर ओ oh डियर आपको काम नहीं आ सकता आता तो मैं आपको कह सकता हूं ओ oh डियर क्यों नहीं काम करते तो ये एक एक्सप्रेशन है ओ डियर डियर सो सो सॉरी इट इट इज अ मूविंग लेट फ्लो ऐसे चलने दो बी मूवड इट टू बी एक्सपेक्टेड इट इज टू बी एक्सपेक्टेड जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इसे मूव होने दो चलने दो जो भी वो कंडक्ट कर रहे हैं दिल्ली हो आफुल ये कितना आफुल है शी रन फ्रॉम द रूम वो रोती हुई रूम से जाती है ऑन द नाइट मुझे लग रहा है कि तुम सारे ऐसे ही एक्ट करोगे जैसी वो इी कर रही है, Rachel, I will go after her. कहता है कि मैं इसके पीछे जाता हूँ मैं इसके पीछे जाता हूँ आगे मिसिस राफी आगे से कहती है लीव हारे छोड़ दो नेवर शो एनी इंटरेस्ट इन दैशन ऑफ द यंग ंग के पैशन में कहता है कहती है कि इतना यंग के पीछे इतना पैशन ना शो करो इट मेक्स दम ग्रो सेल्फिश इनको सेल्फिश बना देगा डेविस ऑफ द केक डेविस जो है वो इसका किरदार अदा करेगी करेगी अब और स्लाइस ऑफ केक और इसे कुछ स्लाइस ऑफ केक देगी यूरि यूरिडिस मैफने यूरिप यूरिडिस जो है वो ओ oh, स्पीक वो बोल यूरिडिस बोलती है एंड शी एम्ब्रेस मैफने और मैफने को अपने अपने ब्रीस के साथ लगाती है या उसे अपने गले लगाती है क्यों एम्ब्रेस कर रही है क्योंकि वो कुत्ता है उसका रोल अदा कर रहा है मैफने अवे डिस्टेंस मैन डिस्ट्रैक्टेड मैन आई एम अ डॉग मैफने अवे डिस्ट्रैक्टेड मैन मुझसे दूर रहो मैं एक डॉग हूं मिसेस टाइल हाउस शुडंट शी गेट डाउन ऑन आल फॉर्म फॉर्स क्या uh, क्या उसे नीचे नहीं आना चाहिए गेट डाउन का मतलब नीचे आना मिसेस राफी जेसिका आई एम डायरेक्टिंग दिस प्रोडक्शन मैं ये प्रोडक्शन को डायरेक्ट कर रही हूँ योर जॉब इज टू टेल सेल प्रोग्राम एंड असिस्ट द स्टेज कारपेंटर्स यूरिडिस यूरिडिस बोलती है तुम्हारा काम यह है कि तुम सिर्फ प्रोग्राम को सेल करो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ और यूरिडिस जो है वो आगे से बोलती है अलास, you have a vacant old तुमने ओल्ड प्लूटो को प्लोटो भी वहां का एक ग्रीक मेथोलॉजी का एक गॉड है ओल्ड प्लूटो को तुमने उठा दिया द गॉड ऑफ दिस प्लेस इस प्लेस का जो गॉड है नो आई शेल बी वेल थ्रेस्ड आ, और उसके बाद एक पाज होता है मिसेस राफी लाउडली प्लूटो कम आ, नथिंग हैपन्स लाउडर्स द गॉड्स ऑफ द हेल्स कॉल वीकर्स और गॉड ऑफ द हेल आता है जिसे वीकर कहते हैं वीकर ओ डियर आई थॉट आई वाज बीइंग समन्ड बाय द गैब्रियल मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी गैब्रियल ने बुलाया है फरिश्ते ने पार्डन मी मुझे माफ करो फेलो थेस्पियंस uh, आई वॉज एडमायरिंग योर बिब्लोग्राफी मैथ स्पलेंडर मैं, uh, मैं तुम्हारी बिब्लोग्राफी को, को उसको admire कर रहा था Mrs. Rafi a true delight. Mrs. Rafi Mrs. Rafi को कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई Mrs. Rafi आगे से कहती है नेवर माइंड बुक now. तुम यानी परेशान ना हो Books now. विकर, वी आर स्ट्रगलिंग विद लाइफ हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसको कंडक्ट करने में या काम करने में विकर क्वाइट सो आई अवेट डायरेक्शन मैं डायरेक्शन का वेट कर रहा हूं मुझे जो डायरेक्शन मिलेगी मैं कहता है मैं भी काम करूंगा विकर को भी उन्होंने एज ए करेक्टर लिया हुआ है, उसको कोई रोल दिया हुआ है मिसेस राफी यू कम ऑन ऑन द फर साइड ऑफ दाइकिस तुम स्ट्राइकिस की फर्स्ट साइड से आओगी मिसेस राफी यू कम ऑन द फार साइड ऑफ द स्ट्राइकस तुम स्ट्राइकस के फार साइड से दूर दूर साइड से आओगे वो किसी को कह रही है विकर कहता है लाइक सो गुड नाउ वेयर वी वेयर आर दीज एक्सीलेंट लाइंस ये एक्सीलेंट कहां से ली है तुमने कहता है व्हाट इज द ड्रेडफुल्स वेलिंग इसकी खौफनाक मातम इसका क्या है बाय द बाय 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 द बाय द बाय

एक वीकर के वीकर के बतौर चर्चमैन के तौर पर काम कर रहा हूं चर्च के अंदर मुझे गॉड के हेल के गॉड का करेक्टर दिया गया है ये कहता है कि मेरे करेक्टर के साथ मैच नहीं करता लेकिन मैं फिर भी परफॉर्म करूंगा आगे कहता है मिसेस राफी कहती नो विकर आगे कहता है आई फियर नॉट मैं नहीं डरता आई डू लैंड माई सेल्फ टू दीज रिबल्ट रिबल्ट का मतलब होता है कॉमेडी मैं कहता है कि इस कॉमेडी में अपने आप को एडजस्ट करूंगा इंटरजेक्शन मैं इस कॉमेडी के रीबर्ल्ड इंटरजेक्शन में अपने आप को अकोमोडेट करूंगा राफी बैड डॉग्स कम टू योर मास्टर बैड डॉग जो है वो अपने मास्टर के पास आता है मिसेस राफी ट्राई बैड डॉग्स कम टू योर मास्टर ट्राई करो कि तुम्हारा जो बैड डॉग है वो तुम्हारे पास आ रहा है मास्टर के पास डियर मी इफ आई वाज आई वर सैस अगर मैं कोई कॉमिक करेक्टर भी हूं कॉमिक करेक्टर का भी किरदार अदा करता आई वुड रन स्ट्रेट बैक टू हेल मैं स्ट्रेट सीधा हेल की तरफ जाता होवर डॉन सर यहां के उसके नीचे चला जाता मिसिज राफी ऑन योर नीज डॉग तुम्हारे पाओ में डॉग आ गया है डॉग कौन है मैफने विकर्स आ यस ऑन योर नीज हा हा नीज डॉग हो एक्सीलेंट मिस प्राइस मिस प्राइस ये कितना एक्सीलेंट है ये डॉग Our जो हमारा जिसका नाम नाम है एक और का भी पीछे नाम लिया लिया था 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 वो क्या था? जैक क्या हमारा जो वो आग हमारा डॉग एजिक्स जो है वो भी आग की गिठी के पास ऐसे ही बैठता है Here, जब में वो वॉक से आता है तो वो हमारी जो अंगीठी है आकी उसके पास ऐसे ही बैठता है जैसे ये आके बैठ गया मैफ ने थैंक यू विकर विकर तुम्हारा शुक्रिया आई बिन नथिंग द मैनरिजम्स ऑफ आवर रॉजर्स इन द लिटिल बुक्स मैं रॉजर के मुकाबले में कहता है कि कुछ भी नहीं हूं उसके पास एक पुतिया है जिसका नाम रॉजर है और इसके पास एक डॉग है जिसका नाम एजिक्स है किसके पास रॉजर्स यस आई एम सॉरी टू टेल टेल यू मिस प्राइस द रोजर हैज बिन चेजिंग द एजिक्स रॉजर जो है वो किसको तलाश कर रही है एजिक्स मेल डॉग को आई शुड एक्सप्लेन लेडीज

इफ आई माइट आस्क यू टू अगर कहता है कि मैं तुम्हें आ, मुझे कहता है ये बहुत इन अप्रोप्रियट ला नामनासब लाग रहा था जेंडर इसलिए मैं कहता हूं कि हमें एजिक्स की जगह पे क्या नाम देना चाहिए रॉजर रॉजर मीन के मेल को कुत्ता ना बनाएं फीमेल को कुछ बना दें कहता है मतलब यहाँ पे क्रिटिसिजम है मिस राफी वीकर विकर आगे से कहता है इंडीड द सब्जेक्ट इज सम व्हाट डेलिकेट ये सब्जेक्ट बड़ा डेलिकेट है नाजक है मैफ ने अ फ्यू वाइड स्प्रेड वर्ड्स आफ्टर द क्वायर क्वायर होता है ये सॉन्ग वगैरह जो गाते हैं ना उनको क्वायर कहते हैं चर्च के अंदर प्रैक्टिस विल सफाइस मिसेस राफी आ फ्यूरिडिस आ यूरिडिस यूरिडिस मैंने बताया था फीमेल है किसकी इरीफस की अ uh, विकर्स कॉल माई वाइफ कौन मेरी वाइफ को बुलाएगा यूरिडिस जो है वो किसकी विकर की यहाँ पे वाइफ बनी हुई है विकर जो मेल बना हुआ है मिसिज राफी आह हॉरर। विकर यस शी इज माइंड ओ मैन इन दिस कोल्ड प्लेस ऑफ द हेल। आई वॉचड हर पास अमंग द गार्डन ऑफ योर वर्ल्ड आई लॉस्ट माई हार्ट टू हार हाँ मैंने इस आग के दरिया में आग के जहनम के जहन्नम में मैंने ये खूबसूरत चेहरे को देखा है और वो क्या है उसके लिए मैंने अपना दिल खो दिया है ये विकर कह रहा है किसको यूरिडिस को यूरिडिस एक फीमेल है मिसेस राफी ओ होरर, ओ हॉरर हॉरर बहुत खौफनाक बहुत खौफनाक आगे मिसेस टायल हाउस कहती है दैट ओनली रिटर्न डॉन वंस आई होप शांट बी टोल्ड आई कैन नॉट रीड आर काउंट और वो कहते हैं ये ओनली रिटर्न एक दफा लिखी गई बात है आई होप शांड बी टोल्ड कि ये मैं बता नहीं सकती और ना पढ़ सकती हूँ ना काउंट कर सकती हूँ यू कैन से वट यू लाइक एज लॉन्ग एज यू कैन कैरी इट ऑफ रिचल्स स्टार्ट आप पंट रिदमिकली मिसिज राफी मैंने पंट का आपको मतलब बताया था कि वो लंबा सरिया टाइप है जिसके जरिए वो वो कश्ती चलाते हैं रिदमिकली मिसिज राफीज ऑन द दिनरी प्रोज एंड इन द द द द डिस्टेंस ऑफ ऑफ फॉर रेस्ट ऑफ द कास्ट सॉफ्टली हम एंड ईटन बोटिंग सॉन्ग यानी उसके बाद क्या करते हैं वो बोटिंग का सॉन्ग आते हैं रोज स्लोली कम्स इन टू द स्पेस ऑन द शोर्स एंड स्टैंड बाई प्लोटोस वीकर और वो वीकर के पास आके खड़ी हो जाती है रोज मिसेस राफी क्राइज आउट एक्सटेटिकली एक्सटेटिकली वो वजद में वजद में होता है कि आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएं वजद में आ जाएं तो राफी जो है वो रोने लग जाती है वजह से यूरिडिस बिलावड आई सी यू यूरिडिस बिलावड मैंने तुम्हें देखा रोज आई एम अ क्वीन ऑफ द डार्क प्लेस रोज कहती है कि मैं तो शहजादी हूं किसकी दुखों की माई हर्ट बर्नस न्यू कोल्ड फायर एक ठंडी फायर ने मेरा दिल जला दिया है योर लव यर्स योर होप्स वट आर दे टू मी ये होप ये फियर ये दुख मेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी उसकी तो डस्ट डेथ हो गई है डस्ट स्कैटर्ड ओवर द सी पूरे सी को पूरी लाइफ को क्या भर दिया है डस्ट ने या मेरी लाइफ पूरी क्या है बिल्कुल डस्टेड हो चुकी है अब कोई होप नहीं है जो मर्जी आ जाए जिसके साथ मर्जी मैं चली जाऊं असल में इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी बनती है मिसेस राफी स्ट्रेचिंग बोथ द आर्म्स टूवर्ड द यूरिडिस रोस यूरिडिस आई कैन नॉट हियर यू यूरिडिस मैं तुम्हें नहीं सुन रही दिस वर्ड ब्लोस योर वर्ड ओवर दिस कोल्ड रिवर ये वर्ड्स जो हैं ये ऊपर विंड के साथ यहाँ पे फिर रहे हैं ऊपर उड़ रहे हैं ओवर द कोल्ड रिवर इस ठंडे रिवर पर आई ओनली सी यू कॉलिंग मी तुम मुझे बुला रही हो आगे रोज कहती है गो बैक मिसिज राफी एक्सटेटिक बिलव्ड आई कम मेरी प्यारी बिलव्ड मैं आती हूँ रोज गो बैक वापस जाओ मिसिज राफी यस आई कम द हम्बल द रम्बल्स ऑफ रंबल का मतलब होता है नोज आवाज द रम्बल्स ऑफ वेरी डिस्टेंस गन

मिसेस राफी आगे से कहती है वार ऑफिस वार ऑफिस हमें ये कंप्लेन करनी चाहिए इनके ऑफिसर को ये जो काम कर रहे हैं मैफने दे हैव देयर जॉब है कहती है क्योंकि जो हमारे मुल्क के फौजी हैं तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वार का सिलसिला भी चल रहा है तो आगे टाइल हाउस कहती है आई ग्लैडली द द सोल्जर्स आर आवर डिफेंडर्स मैं ये सारी इनकनवीनियंस को बर्दाश्त करती हूँ जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे डिफेंडर हैं सोल्जर यानी ये हमारे मुल्क का दफा करते हैं बीकर जस्ट सो लेडीज वन रीड्स द न्यूज पेपर द प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस द नेशन द कॉन्टिनेंटल बैलेंस ऑफ द पावर इज एंड इज थ्रजल तो तुमने क्या न्यूज नहीं सुनी बिकर कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी कि कॉन्टिनेंटल इशू चल रहा है वार का और इसको बैलेंस करने के लिए हमें नेवल नेवल जो है उसको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है या मशकों की जरूरत है मिसेस राफी आई आई होप एम अ पैट्रियट मैं बहुत ज्यादा पैट्रियट हूँ बट आर्मी बिलोंग टू द बैटल फील्ड ऑफ द बैरक्स आर्मी को बैरक्स और बैटल तक रहना चाहिए नॉट एट द बॉटम्स ऑफ वंस गार्डन हमारे गार्डन तक या रेटलिंग यू शेल नॉट कम और हेल्थ विच इज नॉट बल्कि वो उन्हें हमारे घर uh, को प्लॉटोज so तमाम जो औरतें हैं यहाँ की वो प्लोटो की लस्ट से परेशान है प्लोटो एक करेक्टर है जो कि लस्ट का गॉड है और उससे सारी परेशान है वो ये साथ वो बता रही है विकर ही साउंड लाइक द रॉजर आई के नॉट लेट हर गो ये मुझे ऐसे लग रही है कि जैसे रॉजर हो वीकर कह रहा है आई केनाट हर लेट आई के नॉट लेट हर गो मैं उसे जाने नहीं दूंगा मिसिज राफी आगे कहती है देन डिस्टेंस एंड द रजिस्टेंस आर माई लॉट्स ये डिस्टेंस और रेजिस्टेंस जो है कहती है फिर मुझे कायम रखनी होगी मतलब जो लस्ट का गॉड है वीकर बना हुआ है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वो कहती है कि मुझे डिस्टेंस और रेजिस्टेंस रखनी है विकर आगे से कहता है गॉडस राइज माई राइज माई स्लीपिंग राइज माई स्लीप फ्यूरीज मिस्टर मिसिज राफी माइट आई हर मेक द रेफरेंस टू द सर्टन लोकल द एंड ऑफ दर्मन टाइम मेरी फ्यूरीज को उठाओ फ्यूरीज जो ना थ्री गॉडसेज ठीक है ग्रीक मेथोलॉजी में मेरी जो सोई हुई है उनको उठाओ ताकि वो मुझे इन्फॉर्म करे मैं अपनी कॉन्ग्रीगेशन को सरमन टाइम बताऊं क्योंकि वो यहाँ पे गॉड का करेक्टर अदा कर रहा है तो कहता है मेरी गॉडस जो है उनको उठाओ वो मुझे इन्फॉर्म करे मैं कॉन्ग्रीगेशन जो है जो मैं मीटिंग करना चाहता हूँ रिलीजियस उसका सरमन टाइम बताऊं मिसिज राफी नो वीकर आई एंटर फ्री मैं नो वीकर वीकर ऐसा नहीं है आई एंटर हेल्प टू सेट हर फ्री मैं हेल में जाती हूं उनको फ्री करने के लिए उसको फ्यूरीज वीकर फ्यूरीज अप लेडीज सराउंड द वीकर लेडीज तुम सारी मिलके वीकर को सराउंड कर लो जेस्टरिंग एंड ग्रेमसिंग उसे जेस्टर दो और शुक्रिया अदा करो बी वांड वेन एंड फुलिश मैन डू नॉट मेक एन एनिमी ऑफ द गॉड और गॉड के एनिमी ना बनो That way lies the madness and the despairs. क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऊपर मैडनेस और मायूसी आएगी ओ मैन इज अ गॉड प्लीड विद यू प्लीड करना है गॉड प्लीड्स विद यू गॉड तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हारी रहनमाई करेगा यू में नॉट पुट योर हैंड्स इन टू द आयरन सी टू प्लक आउट द ग्लिटरिंग थिंग्स तुम आयरन सी में अपने हाथ ना डालो इंसान किसी चीज को तोड़ने के लिए बिहोल्ड uh, और देखो माई फेरी मैन टेक द सोल ऑफ द डेड फेरी मैन का मतलब होता है ऐसे फरिश्ते ऐसे खौफनाक किस्म के फरिश्ते जो जान निकालते हैं जो सोल निकालते हैं ग्रीक मेथोलॉजी में माई फेरी मैन माई फेरी मैं थिंक वेल बिफोर यू स्टेप इन टू द फेरी बोट्स फेरी बोट के अंदर दाखिल होने से पहले सोच लो कि यहां पे सोल निकालने वाले फरिश्ते भी हैं रेचल्स द पंटिंग रेचल पंटिंग को उठाता है पंटिंग मीन वो जो है वो जो चप्पू टाइप है इन टू माई फेरी बोट्स इन टू पोल्स एंड सट्रा द बोटर और बोट को बोटर को क्या करता है एंड सट्रा बोटर्स और बोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उसको चलाना शुरू करते हैं लेडीज ले इन द कवर्स फ्लैट ऑन द फ्लोर और लेडीज जो हैं वो फ्लैट के ऊपर फ्लैट uh, लेट जाती हैं फ्लोर के ऊपर रैचल्स आई एम श्योर मिस्टर कारसन्स विल थिंक आई रोल लाइक द क्लंप्स मैं रिचल कहता है कि मुझे श्योर है कि कार्सन ये सोचता होगा कि मैं फुलिश तरीके से कश्ती चला रहा हूं हियर गोस शी स्टेप इनटू द कवर्स एम द फेरी मेंस ऑफ हेलजर और यहाँ पे कहता है कि मेरे साथ हेल के फेरी मैन है आई कम टू टेक यू टू द ब्लैक वाटर मैं तुम्हें ब्लैक वाटर में ले जाऊंगा बोट मिसी स्टॉप स्टेप लेती है बोट की तरफ शी स्टेप्स एंड peers down into the द वो वो शी stops वो रुकती है एंड peers down into the द और वाटर में उतरती है किसके ऊपर कश्ती के ऊपर मिसिज Rafi आई सी अ व्हाइट थिंग शाइनिंग डोन्स इन द डार्कनेस मैं डार्कनेस में देख रही हूँ कोई व्हाइट चीज चमक रही है, है। मोहब्बत हो जाती है वो वाटर के अंदर अपना अक्स देखता है और वो उसको तलाश करने की कोशिश करता है और वो नदी में कूद के मर जाता है उसे तलाश करते करते नार्सिस्ट ऐसा इंसान होता है जो खुद खुद पसंदी में इन्वॉल्व होता है ये एक एडीएम के तौर पर आजकल इस्तेमाल होता है नार्सिस्ट इट इज अ कंडम टू haunt these waters forever यानी ये नार्सिस्ट की तरह ये रिफ्लेक्शन जो तुम्हें नजर आ रहा है ये नार्सिस्ट का है जो हमेशा अपने आप को ही हंट करता रहता है वाटर में मिसेस राफी। ओ हॉरर्स ओ हॉरर बहुत खौफ है बहुत खौफ है रिचल्स परेशानी में क्या कहता है रिचल्स एंड स्टीयर अप स्टीयर अप एट द टॉरमेंटेड एंड हॉवर्ड डॉर्मेंटेड होता है किसी को अजियत देना एंड ऑफ दो पास द डेथ एंड टर्न बैक यानी जो परेशान होते हैं फेसिसुक एट टर्न बैक और फिर कहता है वापस देखते हैं मिसिज राफी आई कैन नॉट शी स्टेप ऑन टू दवर विंडो ओपन द कंटें द करटेन्स

तो कहती अगर किंग लियर का प्ले जो है वो मैं कंडक्ट करवा रही होती तो फिर मुझे इन गन फायर की की इसकी लड़ाई की, या मशकें हो रही मैं इसकी टेंशन ना लेती लेकिन हम लोग तो बड़ा एक महजब सा प्ले कर रहे हैं इसलिए कहती है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते ये जो मशकें चल रही वी कैनोट ल्यूट टू द साउंड ऑफ द गन फायर हम गन फायर में कहता है कि, कहती है कि सॉन्ग तो नहीं बजा सकते या बांसुरी तो नहीं बजा सकते विकर अ विटी कितना काबले तर्स है आई डू एंजॉय आवर क्लैश ऑन द होता है ये दुख दुख के के लम्हों में में इस कहता है स्ट्रैंड हम कैसे क्लैश को एंजॉय कर कर रहे हैं आई डू एंजॉय मैं इंजॉय करता हूं द माइटी टाइटन लॉक द मोटर्न बैटल्स माइटी टाइटन ने टाइटन ने ताकतवर गॉड्स जो है उन्होंने लॉक कर दिया है मॉटर्न बैटल को जो मॉर्टल बैटल चल रही है इसको माइटी टाइटन ने कहता है लॉक uh, कर दिया है रिचुअल्स आई लेड आई लेड आउट द डिजाइन ऑन द टेबल मैंने कहता है कि लेड कर दिया डिजाइन टेबल के ऊपर दे गो टू द राउंड टेबल्स टू लुक एट द डिजाइन आगे रोज क्रॉस टू विली ही सिट अलॉन्ग द चेयर्स अलॉन्ग अलॉन ऑन द चेयर्स टॉक दर अडमायरिंग गिगलिंग द डिजाइन कुछ लोग जो हैं जो डिजाइन उन्होंने बनाया टेबल के ऊपर परेशान बैठा है अलोन और रोज उससे बातें कर रही है रोज उससे पूछती है व्हाट इज द मैटर क्या मसला है मिस्टर कार्सन uh, विल्ली यू आर वाइट यू आर वाइट तुम बड़े मुझे वाइट वाइट नजर आ रहे हो पीले दर्द वाइट नजर आ रहे हो बीमार हो तुम परेशान हो बीमार हो तुम मुझे सफेद तुम्हारा कलर बहुत सफेद लग रहा है इट्स नथिंग कहता कुछ नहीं है श्योरली यू यू आर इल मुझे यकीन है तुम इल हो गन्स दे फायर वेन आवर बोट टर्न ओवर ये उन्होंने उस वक्त भी कहता है गन फायर की थी जब हमारी बोट जो है वो अप साइड डाउन हुई थी या उल्ट गई थी कैन आई गेट यू समथिंग क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं नो नो दैट्स वेरी काइंड आई एम ऑल राइट मैं बिल्कुल ठीक हूं मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है खाने की रोज कहती है इट इज ऑर्डियल फॉर यू ये बड़ी ये बहुत बुरी बुरा हुआ वी वुड सो लॉन्ग हम बहुत लंबे अरसे से दोस्त थे मैं और कॉलन रोज यस आई कैन नॉट से हो सॉरी आई एम देर इज नथिंग आई कैन डू कोई भी ऐसी हेल्प मैं बिल्कुल हेल्पलेस रहा मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका रोज नोडिंग नो दे इज नथिंग ऐसी कोई बात नहीं है अब उसे एहसास दिला रहा है कि भाई मैंने तो पूरी कोशिश की थी मैं हेल्पलेस रहा मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकलाया मैं उसे नहीं बचा सका तू आगे से रोज कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है डिजाइन फ्राइट ओ मिसी डू आई अप्रूव ये डिजाइन के डिजाइन को देखता है विकर और वो क्या करता है अप्रूव करता है उसको क्या मैं इसको अप्रूव कर दू इज इट अ प्रॉपर टू वी टाइट

मिसेस राफी एट द राउंड क्लॉक एंड द राउंड टेबल दे के नॉट ऑब्जेक्ट आई डिजाइन दम जो रूल कहता है कहती चूंकि ये मैंने किया कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं करेगा तुम परेशान ना हो विली दे से हिज बॉडी विल बी वॉचडअ अप से हिज बॉडी विल बी वॉचडअ अप वॉश अपे की उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल वॉश हो गई है वीकर एज बिफोर एंड द ट्राइडेंट वीकर आगे से कहता है और कहता है कि वेपन्स एज एंड द ट्राइडेंट का मतलब लिखे वेपन मिसेस राफी पिच फोर्क पिच फोर्क जो है ये फार्मर का टूल है इसका मतलब विली आई नो ही इज डेड मैं जानता हूं कि वो मर चुका है बट वेन देर इज नो बॉडी देर इज स्टिल अ चांस टू माइट बी चूंकि मेरा दोस्त कॉलन मार चुका है लेकिन जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल मिलती मुझे ऐसे ही लगता है कि वो इधर से आ जाएगा इधर से आ जाएगा जिसकी डेथ हो जाती ना तो वो मिले ना तो बंदा यही कहता है कि वो कभी भी आ सकता है तो रोज आगे से कहती है मिस्टर कार्सन यू मस्ट गो होम तुम्हें अपने घर जाना चाहिए तुम चले जाओ विली नो आई सेट इन द ऑल यस्टरडे मैं कल सारा दिन होटल के बाहर बैठा रहा हूँ नो एंड वट हैज बिन हैपनिंग देयर दिस आफ्टरनून और आ, क्या होता रहा है Afternoon को को uh, I nothing till the gun, uh, guns. मैंने देखा कि वहां गन के कुछ भी नहीं फायर होता uh, कुछ लोग वहां पे कहता है, रहते हैं over, कुछ लोग वहां पे कहता थे वेन द बोट टर्न ओवर जब हमारी बोट उल्टी थी रोज पूछती है वो कौन थे विली आगे से कहता है वन वॉज अ ड्रंक एंड अदर ड्रंक एंड अदर स्टूड एंड एट मी एक तो उसमें एक ने तो शराब पी हुई थी और दूसरा जो है वो मेरे ऊपर चीख रहा था रोज शाउटेड कौन चिला रहा था विली द मैन रंस एंड ऑन द फ्रंट वो बंदा जो सामने जिसने दुकान बनाई हुई है ड्रैपर वो मेरे ऊपर कहता चीखता था रोज श्योरली यू आर मिस्टेकन मेरे ख्याल में तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है तो आगे से वो कहता है नो ही स्वोर एट मी उसने मुझे लान तान भी की स्वोर लंदन विली वेव्ड द हिसार विली अपने हाथ हिलाता है कि ऐसे ही उसने किया आई थॉट ही वाज मैड मैंने तो उसे मैड समझा आर आई एम या मैड मैम पागल था या वो पागल था द वीकर हैज कम डाउन टू देम वीकर उनके पास आता है वीकर वी हैव शॉक्ड यू मिस्टर कारसन हम तुम हमने तुम्हें हैरान कर दिया विली हो रिहर्सिंग अ प्ले व्हेन एन इंक्वेस्ट इज अबाउट टू प्लेस इन आवर टाउन यू सी It इट इज our years evening in the aid of the coast guard and under the circumstances देखो यहाँ पे जब इतनी जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है तुम्हारे दोस्त की और हम प्ले कंडक्ट कर रहे हैं और ये जरूरत के तहत किया जा रहा है क्योंकि हम कोस्टल फंड इकट्ठा करते हैं बिल्ली कोर्स विक्कर आगे से कहता है येट आई फील सम गिल्ट लेकिन फिर भी मुझे विकर कहता है क्योंकि वो प्रीस्ट है तो वो थोड़ा सा कहता है मुझे परेशानी हो रही है मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ टू रोज एज शी इज अबाउट टू स्पीक जैसे कि ये यानी रोज भी बोलने की कोशिश करती है यस माई डियर पार्डन मी मुझे माफ करना बट आई डू आई बी ऑन माई नीज प्रेइंग फॉर आवर बेस्ट डेड फ्रेंड्स मैं बड़ा खुश हूंगा कि मैं प्रे करूँ अपने जिसने दोस्त की डेथ हुई है एंड आई वुड प्रे फॉर द गार्डियंस गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ही वाज सो वेरी यंग वो बहुत यंग था गॉड आस्क मच ऑफ अस गॉड हमसे बहुत कुछ पूछता है आई आई क्रिश्चियन हिम मैंने उसे बैपटाइज किया आई वाज यानी वो जब कोई पैदा होता है ना तो वो उसे नहलाते हैं उसको बैपटाइज करते हैं आई वाज हार्ली मूव एंड नाउ ही हैज गॉन और अब वो उसकी डेथ हो चुकी है बॉडी इज फाउंड अगर बॉडी मिल जाए आई शैल पर्टिकुलरली मूविंग यू टू फाइंड और मैं भी खास तौर पर तुम्हारे साथ चलूंगा वेन यू बरी समू बंबल मंबल्स थ्रू द टीय और वो रोने लगा नो यू मस्ट फागिव मी मुझे माफ कर देना वन कम टू लिव द लाइफ ऑफ द पेरिश एक इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए कि इस दुनिया से हमने फना हो जाना है द बर्थ एंड द डेथ आर दार्ट ओन डेथ और बर्थ जो है कंप्लीट साइकिल है ये चलता है जरूर ही गोज अवे एंड आई वी वार सो नियर द शोर हम शोर के बहुत करीब आ गए आ, करीब थे इफ ओनली आई वुड बिन एबल टू टू गेट टू हिम टू रफ इट वॉज सो डार्क ये बहुत डार्क था आई वेंट बैक इन द वॉटर और मैं वाटर में कहता वापस आया आई आई थिंक ये बता रहा है इट वॉज सो डार्क बहुत अंधेरा था आई वेंट बैक इन द वाटर में दोबारा वाटर में वापस आया आई थिंक आई वॉन्ट इन आई वेंट इन दाइम चार दफा कहता पानी में गया मोर आई ट्राइड एवरीथिंग और मैंने हर तरह से कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका रोज फ्राइटन रोज ज्यादा प्लीज गो होम मिस्टर कार्सन मिस्टर विल्ली तुम यहां से चले जाओ जेली आई एम सॉरी आंट आई एम सिल्ली मैं बहुत बेवकूफ थी ये पहले दौड़ जाती है जिल्ली बट आई एम बेटर नाउ लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ आई एम हेल्पलेस आई एम हेल्प डेम टू से टी तैयार की है इट इज ऑल रेडी ये इन द कंट्रोल इन द कंजरवेटरी यहाँ पे कंजरवेटरी मैंने यहाँ पे कहती है टी भी तैयार की है और uh, सब कुछ रेडी है आगे वो कहती है मिसिज uh, राफी कहती है शेल वी गो थ्रू बिल्ली साउंड एवरी थिंग्स मूव टूवर्ड्स द डोर अब आग वो आगे से कहता है, शेल वी गो थ्रू क्या हम चलें? मिसेस राफी कहती है ले जी आज का आपका सीन जो है चौथा भी खत्म हो गया ये काफी लंबा सीन था लेकिन मैंने ट्राई किया और इसको मैंने खत्म कर दिया इंशाल्लाह कल दूसरा भी पढ़ेंगे ये चीजें फ्लो में ऐसे पढ़ती जाएंगी आपको याद होती जाएंगी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है नाइस टाइम